Guess you. She hates her husband, so she likes to come here. Hello friends, welcome to my YouTube channel Life in the UK with Farhan. और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सनी डे हो रहा है आज फिर. तो आज हमारी मीटिंग थी काम जो जहाँ पे मैं कंपनी में काम करता हूँ उनके साथ हमारी एक मीटिंग थी. वो कह रहे थे कि कोरोना का एक फेज हो गया है, अभी दूसरे के लिए कुछ कहना है. तो हम यहाँ पे आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसे ऑफिस में कैसे हो रहा है कोरोना वायरस. तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक नज़ारा मेरे ऑफिस का, मेरी बिल्डिंग जहाँ पे मैं काम करता हूँ. तो फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ. ये मेरी कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ. ये एक फिटनेस की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी, और ये इसका नाम है पावर हाउस फिटनेस, यूरोप्स नंबर वन होम फिटनेस. तो यहाँ पे दो फ्लोर है. नीचे वाले फ्लोर पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर टीम रहती है, और जो ऊपर वाला है ऊपर वहाँ पे कस्टमर सर्विस और जहाँ पे मीटिंग रूम वगैरह होते हैं. तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा. ये एंट्री है यहाँ पे. तो फ्रेंड्स, ये है मेन रिसेप्शन यहाँ का, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मास्क भी रखे हुए हैं, और ये सैनिटाइजर की पूरी बोतल इन्होंने रखी हुई है, और ये स्टेयर ऊपर जा रहा है. और यहाँ पे मुड़ने के बाद ये है हमारे जो बड़े मैनेजर हैं, ये इनका ऑफिस. Good to meet you. Say something. Kaise ho? How are you in Hindi? Kaise ho? So how is that? Does it sound good? Yeah, good. Perfect. His name is Ian, and he's the main manager here, operational manager. And behind me is my colleague Rose, the big man here. So today we just came here for a meeting, and regarding the coronavirus, COVID-19. जैसा आप देख सकते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हुआ है इसका. और ये है लेडीज टॉयलेट, और ये कॉरिडोर यहाँ से आप जा रहे हो. ये है जेंट्स टॉयलेट, और यहाँ पे है ग्राफिक डिजाइनर. यहाँ पे डिफरेंट टीम आई, एंड देन ये है हमारा मीटिंग रूम. यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है. और फ्रेंड्स, ये है हमारा किचन. किसी को कुछ बनाना हो, खाने पीने की चीज़ें, ये यहाँ पे किचन है. और किचन के अंदर इन्होंने एक फ्रिज भी रखा हुआ है, आप अपना लंच लाकर यहाँ पे रख सकते हो. अभी तो खाली है क्योंकि लोग बाग नहीं आ रहे काम पर. ये दूध सारा कंपनी की तरफ से आता है, चाय बनाने के लिए वगैरह वगैरह. डेस्क, ये मेरा कंप्यूटर, और ये मेरी चेयर, ये मेरी पानी की बोतल रखी है. और फ्रेंड्स, मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ. इन्होंने हमारे लिए एक जिम भी बनाया हुआ है यहाँ पे, एक पर्सनल जिम, बड़ा ही अच्छा जिम है. और ये है किचन नंबर टू. आप लंच वगैरह ला के अपना यहाँ पे बैठ के खा सकते हो. यहाँ पे भी फ्रिज रखा हुआ है. और ये है हमारा जिम. यस फ्रेंड, ये है हमारा जिम. जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए ये इन्होंने जिम रखा हुआ है. ये ट्रेडमिल रखी हुई है, और ये बाकी ही सारे जितने भी जिम के सामान हैं इन्होंने सब कुछ यहाँ पे अपने स्टाफ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए सब कुछ रखा हुआ है. मैं भी कभी कभी आके यहाँ पे यूज़ करता हूँ जब लंच टाइम होता है.
और इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ जो वेयर हाउस है जहाँ पर स्टॉक वगैरह। वेयर हाउस में जाने के लिए आपको ये पहनना पड़ता है, ये उसके लिए होता है सेफ्टी के, क्योंकि वहाँ पे क्रेन वगैरह चलती है तो ताकि कोई हर्ट ना हो जाए उसको। ये लगा हुआ है रिफ्लेक्टर, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि कभी अंधेरा होता है तो उसकी लाइट जो जली होती है वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगी और उनको पता लगेगा कि कोई है यहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हाई विजिबिलिटी के लिए ये आपको पहनना पड़ेगा। देखो अपने वर्कर्स के लिए कितना ही इन्होंने सेफ्टी की हुई है, कितनी ज़्यादा सेफ्टी की हुई है। और ये है हमारा वेयर हाउस, ये सारे जो हम सामान बेचते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये इन्होंने लड़कों ने गाने वगैरह बजाए हुए हैं। बर्नी एंड्रू तो यहाँ पे सारे सामान रखे हुए हैं। ये लड़के कुछ ज़्यादा ही लाउड गाने बजा के काम करते हैं। यहाँ पे कुछ भी बजाओ, अपना आराम से काम करो, काम होना चाहिए कुछ भी हो। ये सारे ऑर्डर रेडी हैं जो अभी जाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बिजी था हमारा काम और ये सब बिक गए हैं अभी। और ये है क्रेन, ये सामान उठा रहे हैं यहाँ पे। And this is Bernie. Bernie, you want to say something? Do you want to say something to my YouTube channel? My Indian friends? Yeah, what? My Indian friends? No. No? He's the main guy here. ये सारे पार्ट वगैरह जितने भी है ये सारे यहाँ से उठा के और उनको डिलीवर करता है। Bernie, come on, my brother. My brother's gone looking for something here. तो वो थोड़े बिजी है अभी। और ये आप देख सकते हैं दूसरी क्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। ये बड़ा ही अच्छा इंसान है, हर टाइम ये गपशप लगाता रहता है। ये सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं जिम का, जिम की जो बार वगैरह होते हैं ये सारे रैप्ड अप किए हुए हैं, डिलीवरी के लिए रेडी हैं। और ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है लेकिन ये अभी सारा बिक गया, सारा सोल्ड आउट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। और जब आप ये इन्होंने थोड़ा सा इस साइड पर आओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी वगैरह आती है, जो पोस्ट वाले होते हैं वो डिलीवरी वगैरह लेके जाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ट्रक आप देख सकते हैं ये एक डिलीवरी कंपनी है और ये लोड कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडमिल। और ये जो यहाँ पे सामान रखा है ये सामान है जो रिटर्न, जो कस्टमर का फॉल्टी सामान होता है जो ख़राब हुआ हुआ, ये यहाँ पे लाके रखते हैं। इसको या तो बेच देते हैं सेकंड हैंड, इसको रिपेयर करके और इसको कम प्राइस में बेच देते हैं, या फिर इसको इसके स्पेयर पार्ट निकाल के इसको यूज़ कर लेते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं हर ही जगह पर कंप्यूटर होते हैं, बिना कंप्यूटर के यहाँ कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर किस्म के यहाँ पे ब्रांडेड वगैरह सारे ही अच्छे अच्छे सामान होते हैं, बाइक्स, ट्रेडमिल, डंबल, प्रोटीन शेक्स, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद होता है। ये बहुत बड़ा इन्होंने वेयर हाउस बना रखा है और ये असेंबल करके भी भेजते हैं और ये प्री असेंबल भी भेजते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो लेबर की कॉस्ट है वो यूके के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सामान ऐसा भेजते हैं जो खुद ही आप जाके बनाओ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डंबल, ये इनके बॉक्सेस रखे हैं और ये छोटे छोटे डंबल हैं यहाँ पे, ये पैक होकर लेबल लगाकर ये वापस जाएंगे। और यहाँ पे ये सप्लीमेंट वगैरह भी सारा कुछ बेचते हैं
आप ये इनकी वेबसाइट दे सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट रखी है। मैट्स हो गई, पानी की बोतल हो गई, ये देखो ये सारी बोतलें इसके अंदर रखी हुई है, और ये यहाँ पे रखे हुए हैं सारे सामान। और ये इसका दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो सामान बिकता है, जिसके सामान टूट वगैरह जाता है, तो ये इसके स्पेयर पार्ट हैं। ये लाइन आप जो देख सकते हैं, ये लाइन का मतलब है कि आप जो मैंने ये पहना हुआ है, इसके बिना यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने लगाई हुई है कि इसके पार करने के बाद आपको ये पहनना पड़ेगा। और ये ग्राउंड फ्लोर है, ये बहुत ही पुराना ऑफिस है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, नए जो ब्रांडेड चीज़ होती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते। और ये हम वापस आ गए हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, ये था एक छोटा सा ट्रिप मेरे ऑफिस के अंदर, ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन का इश्यू चल रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पे आजकल जो है ऑफिसेज में, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन कॉल आंसर करने पड़ते हैं, तो वो आंसर करने के लिए ये आधे स्टाफ को बुला रहे हैं। तो सपोज़ करो कि एक ऑफिस में चार वर्कर हैं, तो चार की जगह वो दो को बुलाते हैं, और अगले वीक वो दो घर से काम करते हैं, और जो दूसरे थे जो घर पर काम कर रहे थे वो ऑफिस में आएंगे। तो ऐसे कर करके यहाँ पर चल रहा है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ पर कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी, अपने वर्कर के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है। वो हमारा मैनेजर था, वो बड़ा ही सीनियर मैनेजर था, उसकी इंडियन में अगर सैलरी करो तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए पर महीना उसकी सैलरी होगी, और वो कैसे फ्रेंडली होकर हम सबसे बात कर रहा था, बिल्कुल दोस्त की तरह हमारे से किचन में मिलता है, चाय बना के देता है हमें खुद, और बिल्कुल जैसे एक दोस्त होता है ऐसे हम सबको ट्रीट करता है। तो ये कितनी अच्छी इंसानियत की बात है। तो हम इंडिया वगैरह में जाते हैं, जितने बड़े लोग उनका इतना ज़्यादा एटीट्यूड, और वो पता नहीं अपने आप को समझते हैं कि बस मैं ही हूँ। पैसा हर कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, पैसा अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन अपनी दूसरों को इज्जत दो, ये सबसे बड़ी बात है। Say something in Hindi. You have Hindi friend, Indian friends. I can't speak it. You can't speak it. Say, मजे करो. मजे करो. Yeah, it means enjoy friends. Oh. Yeah. So she comes here twice or three times a week because she hates her husband, so she likes to come here. So friends, video देखने के लिए आपका बहुत बहुत thank you, और आपको मैं मिलता हूँ एक interesting सी video में next time. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, stay safe, stay home, and goodbye, take care.